छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के एक आदेश के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल धरना जुलूस के लिए गृह विभाग की तरफ से अनुमति लेकर ही आयोजन करने का आदेश दिया गया था। अब राज्य सरकार के इस आदेश पर बीजेपी हमलावर है। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके जरिए सरकार राज्य में आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर सख्ती करना चाहती है। आदेश के मुताबिक राज्य में अब धरना प्रदर्शन, जुलूस और भूख हड़ताल के लिए पहले से अनुमति अनिवार्य होगी। शर्तों के लिए आयोजकों को शपथ पत्र देना होगा और शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। आयोजन की वीडियोग्राफी करवानी होगी, जिसकी एक प्रति आयोजन खत्म होने के 2 दिन के अंदर SDM को देनी होगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग तय डेसिमल सीमा पर करना होगा और शर्तों के मुताबिक तय समय पर आयोजन खत्म करना होगा। इस आदेश को लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोजन के लिए जारी इस आदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि ये आदेश इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद दिलाते हैं। इनके 3 साल में ये हालत हो गया कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। ऊपर में कोई आंदोलन करना चाहता है तो नोटिफिकेशन, इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं कि आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है। भूपेश बघेल इंदिरा गांधी के नक्शे कदम में चल रहा है। जबकि राज्य सरकार इस आदेश को लेकर दलील दे रही है कि राज्य में बिना अनुमति ही कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस वजह से आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। पहले से यह नियम था कि धरना स्थल पे ही धरना दिया जाएगा, किसी भी सड़क पे सड़क को बाधित नहीं किया जाएगा। और यह इस नियम का कड़ाई से पालन करना इसलिए भी आवश्यक था कि बहुत समय से देखा जा रहा है कुछ संगठन बिना अनुमति के, बिना किसी समय निर्धारण के सड़कों पे आके, प्रतिबंधित इलाकों पे आके प्रदर्शन करते थे, चक्का जाम करते, जिसके कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ती थी। तो जनहित में यह नियम बनाया गया है। इस नियम से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सरकार के आदेश के बाद दी जा रही इस दलील पर बीजेपी सहमत नहीं है और प्रदेश भर में विरोध करने की बात कर रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की जनता इस आदेश को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है और इसका आगामी चुनाव में क्या असर होता है। टीम न्यूज़ 8।